प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, अमिताभ बच्चन और कमल हसन की कल की 2898 रिलीज हो गई है। फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर नाग अश्वनी ने डायरेक्ट किया है। कल्कि की कहानी ऐसे दौर की है जब दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट की गई। जरूरत है तो एक उम्मीद की, और ये उम्मीद आती है दीपिका पादुकोण के जरिए, और एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। दीपिका पादुकोण के जरिए उम्मीद की किरण के रक्षक बनते हैं अमिताभ बच्चन, वहीं कमल हसन को दीपिका पादुकोण की तलाश है। प्रभास बने बाउंटी हंटर, उन्हें भी दीपिका पादुकोण चाहिए, लेकिन उनके फायदे के लिए। इस तरह की है कल की फिल्म की कहानी। डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि दर्शकों को ऐसी दुनिया दिखाया जा सके जो भारतीय सिनेमा में कम से कम देखने को मिलती है, लेकिन यही पेच फंस जाता है। ये दुनिया हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों से प्रेरित लगती है। ये दुनिया उधार की नज़र आती है, और ये उधार लिया गया है मैड मेकर से, ट्रांसफॉर्मर से, एवेंजर से, अवतार से, और ऐसे ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की से ये कहानी ली गई है। फिल्म का सेकेंड हाफ ही दमदार है, जिसमें कुछ देखने को मिलता है, वरना डायरेक्टर पूरी तरह से कल्कि 2 के लिए माहौल बनाते नजर आते हैं। फिल्म ख़त्म होने पर दिमाग में बस यही बात आती है कि यह फिल्म तो अमिताभ बच्चन की है। कल्कि 2898 में एक्टिंग की बात करें तो सितारों के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि यह हीरो और इमोशन सिर्फ टेक्नोलॉजी है। अगर किरदारों की बात करें तो पूरे फिल्म में जिस पर नज़र बनी रहती है वो है अश्वत्थामा, यानी कि अमिताभ बच्चन। इस फिल्म को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि यह फिल्म प्रभास की है। पूरी तरह से हर एंगल से अमिताभ बच्चन को समर्पित नज़र आती है, और उन्होंने जो किया है वह उनकी बेस्ट रोल में से एक है। प्रभास एक्शन स्टार है, लेकिन उनसे डायरेक्टर कॉमेडी करवाते हुए नज़र आते हैं। जब पूरा माहौल गंभीर होता है तो ना जाने प्रभास को किस दुनिया में दिखाया जाता है। दीपिका पादुकोण का जो रोल है उसे कोई भी अदाकार बिल्कुल ऐसे ही निभाती। कमल हसन को फुल फॉर्म में देखने के लिए कल्कि 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल्कि 2898 के वर्डिक्ट की बात करें तो इसमें इमोशन है, जोरदार वीएफएक्स है, पौराणिक पात्र है, पौराणिक घटनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही कमजोर कहानी है, मिसफिट प्रभास है, कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का कलेक्शन है, और अगर आप प्रभास के फ़ैन हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है। अगर अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं तो आप जमकर तालियां बजाएंगे। कुल मिलाकर जिसे एक्शन, टेक्नोलॉजी और बड़े स्टार्स को देखना पसंद है, वो इस फिल्म को एक बार जरूर देखने के लिए जाएंगे। बाकी नाराज़ हो जा सकते हैं।